नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश्वर, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी महिला के विषय में जिन्हें वर्तमान में विपक्ष की पार्टी के द्वारा भारत सरकार में उपराष्ट्रपति बनने के लिए इन्हें उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों, ऐसी ही महिला है हमारे भारत देश की मार्गरेट अलवा। क्या आप जानते हो इनके विषय में? यदि आप नहीं जानते तो मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मार्गरेट अलवा वह नाम है जिन्होंने राजनीतिक सफर में 1969 में अपना पहला कदम रखा। उसके बाद ये राज्यसभा में चुने गए और लोकसभा में भी चुने गए। इस तरह इनका जो कार्यकाल रहा संसद का वह केवल 30 वर्षों का रहा। उसके बाद इन्हें 4 अलग अलग प्रदेशों का राज्यपाल भी चुना गया। ऐसी ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी महिला मार्गरेट अलवा को विपक्ष ने अपना कैंडिडेट के रूप में चुना है उपराष्ट्रपति के लिए। तो चलिए हम विस्तार से बात करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, ये है मार्गरेट अलवा और ये दोनों चित्र एक ही हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष ने मार्गरेट अलवा को अपना उम्मीदवार बनाया है। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं इनका जीवन के विषय में कि इनका जीवन किस तरह से प्रारंभ हुआ। जन्म हुआ इनका 14 अप्रैल 1942 को। 14 अप्रैल 1942 को कर्नाटक के मैंगलोर में रोमन कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ। इस तरह से इनका प्रारंभिक जीवन प्रारंभ हुआ। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा मैंगलोर में ही पूरी की और उसके बाद कॉलेज में बीए के लिए अपने आप को एडमिट किया और बीए की डिग्री इन्होंने कंप्लीट की माउंट कार्मेल कॉलेज बैंगलोर से। कहाँ से? बीए की डिग्री माउंट कार्मेल कॉलेज बैंगलोर से इन्होंने कंप्लीट की। उसके बाद इन्होंने लॉ की तैयारी की और लॉ की जो पढ़ाई है वो कहाँ से की? लॉ की पढ़ाई इन्होंने की है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जो बैंगलोर में है, वहाँ से इन्होंने लॉ की तैयारी की और अपनी डिग्री लॉ की जो अर्थात कानून की डिग्री कंप्लीट की। कहाँ से? गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बैंगलोर से। इसके बाद इनकी शादी 24 मई 1964 को हो गई। कब हुई? 24 मई 1964 को किसके साथ? निरंजन अलवा के साथ इनकी मैरिज हो गई। इसके बाद इन्होंने राजनीतिक में कदम रखा और इनके परिवार में एक बेटी और 3 बेटे हैं। टोटल इनका 6 व्यक्तियों का परिवार है। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि इनका जन्म हुआ 1942 में। कहाँ पर हुआ? कर्नाटक के मैंगलोर में एक रोमन कैथोलिक परिवार में। प्रारंभिक शिक्षा मैंगलोर में ही कंप्लीट की और बीए की डिग्री माउंट कार्मेल कॉलेज बैंगलोर से की। उसके बाद कानून की पढ़ाई उन्होंने कहाँ से? गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बैंगलोर से की। उसके बाद 24 मई 1964 को निरंजन अलवा से इन्होंने शादी कर ली, जिनसे इन्हें 1 बेटी और 3 बेटे हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं इनके राजनीतिक कार्यकाल के विषय में कि राजनीति में आखिर इन्होंने कदम कैसे रखा और किस तरह से इनका राजनीतिक कार्यकाल सफल रहा। हाँ, बात करते हैं हम सबसे पहले राजनीतिक कार्यकाल के विषय में। पहला कदम इन्होंने 1969 में राजनीति में रखा और उसके बाद 1975 से 1977 के बीच में अखिल भारतीय जो कांग्रेस कमेटी है उसके संयुक्त सचिव के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला और सफलतापूर्वक संयुक्त सचिव का पद इन्होंने किया। ठीक है, उसके बाद 1978 और 1980 के बीच कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में भी इन्हें चुना गया। इस प्रकार से राजनीतिक जो सफर है वो धीरे धीरे इनका आगे बढ़ते गया। अब बात करते हैं कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा में कुल 4 बार चुने गए। पहली बार चुने गए 1974 में, उसके बाद 1980 में, उसके बाद 1986 में और उसके बाद 1992 में। जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लगातार 4 बार कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इन्हें राज्यसभा में चुना गया और राज्यसभा उपाध्यक्ष के रूप में इसी समय 1983 से 1985 तक इन्होंने
राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में भी अपना कार्यभार संभाला। इस तरह से इनका जो राजनीतिक कैरियर है धीरे 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 बहुत ही अच्छे तरह से आगे बढ़ते गया। जी हाँ, अब बात करने वाले हम केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में। केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में इन्होंने कब और किस पद पर कार्य किया है उसके विषय में भी हम बात कर लेते हैं। बात है 1984 और 1985 की। 1984 और 1985 में युवा और खेल और महिला और बाल विकास मानव संसाधन विकास मंत्रालय में इन्होंने कार्य किया मंत्री के रूप में। उसके बाद अलवा ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में भी कार्य किया। पहली बार इस पद में कार्य किया, दूसरी बार इस पद में कार्य किया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में। उसके बाद तीसरी बार इन्होंने कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में 1991 और दूसरी बार 1993 और 96 में भी इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। इस तरह से राज्य मंत्री के रूप में भी इन्होंने अलग अलग विभाग में कार्य किया राज्यसभा में। तो दोस्तों, इनका जो राजनीतिक कैरियर है कांग्रेस के कार्यकाल में, कांग्रेस से ये प्रतिनिधि के रूप में हर बार चुने गए, लगातार 4 बार चुने गए। किसके लिए? राज्यसभा के लिए। और इनको अलग अलग क्षेत्र में राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य संभालने का मौका दिया गया और सफलतापूर्वक इनका राजनीतिक कैरियर आगे बढ़ता गया। चलिए अब आगे की बात करते हैं। जी हाँ, अब हम बात करते हैं राज्यसभा के बाद लोकसभा की, जहाँ से इन्हें सांसद के रूप में चुना गया। अब हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की। पहली बार 1999 में उत्तर कन्नड़ निर्वाचन क्षेत्र से इन्हें सांसद के रूप में चुना गया और ये लोकसभा में सांसद के रूप में पहुंच गए। इस तरह से इनका कार्यकाल 5 वर्षों का रहा और अगली ही बार वर्ष 2004 में जब इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा तब इन्हें हार का सामना करना पड़ा। जब इन्हें हार का सामना करना पड़ा उस समय 2004 से लेकर 2009 तक 5 वर्षों के लिए इन्हें पुनः अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में चुन लिया गया। इस तरह से इनका जो कार्यकाल था लोकसभा चुनाव का वो कुछ इस तरह से चला। पहली बार तो इन्हें 1999 में उत्तर कन्नड़ निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में चुन लिया गया, लेकिन जैसे ही अगला लोकसभा चुनाव हुआ 2004 में तो ये चुनाव हार गए। उसके बाद इन्हें 2004 से 2009 के बीच में कांग्रेस कमेटी के ही महासचिव के रूप में चुन लिया गया। तो ये इनका राजनीतिक कैरियर धीरे 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 आगे बढ़ता गया। अब बात आते हैं, सबसे पहले तो इन्होंने राज्यसभा में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया, फिर इन्होंने लोकसभा में सांसद के रूप में चुनकर गए और अब आता है इनका महत्वपूर्ण पद, इन्हें राज्यपाल के रूप में भी चुना गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि इन्हें भारत के 4 राज्यों में राज्यपाल के रूप में चुना गया है। अब बात करते हैं कि राज्यपाल के रूप में इनका जो कैरियर है वो कहाँ कहाँ रहा। पहली बार इन्हें राज्यपाल के रूप में चुना गया 6 अगस्त 2009 को। 6 अगस्त 2009 से मई 2012 तक इन्हें उत्तराखंड की राज्यपाल चुना गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल है। पहली महिला राज्यपाल है, कौन है? पहली महिला राज्यपाल है उत्तराखंड की। और इनका कार्यकाल रहा है 6 अगस्त 2009 से मई 2012 तक, मार्गेट अलवा का। इसके बाद द्वितीय बार इन्हें चुना गया राज्यपाल कहाँ का, 12 मई 2012 से 2014 तक राजस्थान की राज्यपाल इनको चुना गया। पहली बार उत्तराखंड की महिला राज्यपाल थी, दूसरे बार राजस्थान की महिला राज्यपाल, और तीसरी बार चुना गया 7 जुलाई 2014 को और मात्र 9 दिन तक 16 जुलाई 2014 तक। ये कहाँ की राज्यपाल रही? गुजरात की। पहली बार उत्तराखंड, दूसरी बार राजस्थान और तीसरी बार मात्र 9 दिन के लिए इन्हें गुजरात का राज्यपाल चुना गया। कब से कब तक? 7 जुलाई 2014 से 16 जुलाई 2014 तक। उसके बाद इन्हें गोवा का राज्यपाल चुन लिया गया। कब से? 12 जुलाई 2014 से 7 अगस्त 2014 तक इन्हें गोवा का
राज्यपाल चुन लिया गया है। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ वर्तमान की। जी हाँ, वर्तमान में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को चुना जाना है हमारे भारत में, और उपराष्ट्रपति की दौड़ में विपक्ष की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से जिन्हें उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है उनका नाम है मार्गरेट अलवा। जी हाँ, मार्गरेट अलवा एक राजनीति में ऐसा नाम है जो महिला होने के बावजूद भी अपने राजनीतिक कैरियर में हमेशा सफल ही रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात एक बार और रिपीट करना चाहता हूँ, राज्यसभा में लगातार 4 बार राज्य मंत्री के रूप में चुने गए, राज्यसभा में अपना कदम पहली बार राजनीति में पहली बार अपना कदम 1969 में रखा और राज्यसभा में ये 4 बार लगातार चुने गए। राज्यसभा के बाद आता है लोकसभा, लोकसभा में एक बार सांसद के रूप में चुने गए, दूसरी बार इनको हार का सामना करना पड़ा। उसी समय 2004 से लेकर 2009 तक इन्हें कांग्रेस ने अपना महासचिव बना लिया, और इसी दौरान उनको 4 बार उनके लाइफ में 4 बार 4 अलग अलग प्रदेश के लिए राज्यपाल के रूप में चुना गया। राज्यपाल के रूप में पहली बार उत्तराखंड में महिला राज्यपाल के रूप में चुना गया, और ये उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल रही। उत्तराखंड के बाद राजस्थान की राज्यपाल रही, राजस्थान के बाद गुजरात की राज्यपाल रही, और अंत में ये गोवा की राज्यपाल रही, और वर्तमान में इन्हें उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर सामने लाया गया है कांग्रेस के द्वारा। तो दोस्तों ये है एक छोटा सा जीवन परिचय मार्गरेट अलवा के विषय में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के मध्य इसलिए शेयर कीजिए, हो सकता है आपके शेयर के कारण किसी न किसी का फायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार कोई अच्छा कंटेंट लेकर। तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।